सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर विद दक्ष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त दक्ष। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद दक्ष। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कोई कुकिंग या फिर कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाला गाइस। तो गाइस, आज की ये वीडियो थोड़ी सी ऑटोमोटिव बेस्ड है गाइस। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फाइनली ऑटोमोबाइल के कंटेंट पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पता है मेरे पास जेन स्टीलो कार है। तो गाइस, आज मैं उस कार का वॉशिंग करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मैंने काफ़ी टाइम से वॉशिंग ही नहीं की क्योंकि ये कोरोना की वजह से। तो आज फाइनली टाइम मिला है, तो चलो एक कार वॉश भी कर लेते हैं और साथ उनके साथ एक ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि 2 वीक से कोई वीडियो ही नहीं डाला है मैंने। तो चलिए गाइस, हम सीधा चलते हैं और हम बाहर जाएंगे, मास्क और सैनिटाइजर मास्क पहन के जाएंगे, क्योंकि गाइस कार भी बहुत सारी जगह पे घूमी है इस कोरोना पेंडेमिक में, क्योंकि गाइस पापा है ना ग्रोसरीज और वो सब लेने जाते हैं कार लेके। तो हम कार को मतलब हम मास्क पहन के जाएंगे कि डस्ट पूरी हमारे मुंह में ना जाए। तो गाइस, हम बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा चलते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स चेक इट आउट। तो हमने हैंड ग्लोव्स और मास्क पहन लिया है गाइस। तो गाइस, हमने मैं एक्सप्लोरिंग गांधीनगर वाली वीडियो देखी होगी गाइस, तो उसमें मैंने यही सब चीज़ें पहनी हुई थी गाइस, क्योंकि गाइस सेफ्टी सबसे पहले आती है गाइस। तो गाइस, अभी मेरे पापा कार वॉश करेंगे गाइस और फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा गाइस। तो चलिए, और आगे जो भी चीज़ें करने को आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम चलते हैं गाइस। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कार जब वॉश नहीं हुई थी उससे पहले का आप लुक देख सकते हैं। ये क्रोम ग्रिल और ये ग्रिल और पूरी मारुति सुजुकी का लोगो और ये बम्पर के नीचे की और ये सब कुछ आप विंडशील्ड भी देख सकते हैं और रूफ टॉप भी देख सकते हैं। तो ये सब भी है ना धूल मिट्टी वाला है और टायर्स भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में, और ये जो अंदर का साइड होता है वो भी कितना गंदा है और जो नीचे का साइड होता है वो भी बहुत ही गंदा है, और जो डोर हैंडल्स और ये साइड मिरर्स भी बहुत ही गंदे हैं, मतलब आप देख सकते हैं, और ये कांच भी आप देख सकते हैं, और बैक लुक में भी आप सब कुछ देख सकते हैं, और ये तो पूरा ही गंदा है गाइस। इसको तो हम वॉश करेंगे तो ही है ना ठीक होगा गाइस। तो ये आप देख सकते हैं, और ये लोगो और वो सब सभी चीज़ें गंदी है गाइस। तो ये देख सकते हैं। तो गाइस, हम फिर हमारा जो इंटीरियर है उसका लुक देंगे, पहले मैं पापा अभी ये देखिए मतलब किए, तो फिर हम उसके बाद देख सकते हैं। ये मेरे पापा है गाइस, तो हमने कार गार्डन में ला दी, फिर मैं आपको सारा इंटीरियर का लुक दिखाता हूँ। तो गाइस, ये सारे आप चीज़ें देख सकते हैं, ये भी कितना गंदा है, मतलब इंटीरियर का जो डोर वाला होता है डैशबोर्ड उसका जो लाइट चौक मतलब कॉफ़ी कलर का है वो बहुत ही गंदा है, और ये जो यहाँ पे मतलब आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं मतलब वो एक अंदर है वो भी बहुत ही गंदा है, और ये फूड ट्रेस तो गाइस अल्टीमेट लेवल का गंदा है गाइस, बहुत सारी मिट्टी है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं बहुत ही गंदा है, तो इसको आप देख सकते हो, और ये पेडल्स और ये डैशबोर्ड ऊपर से उसकी मतलब मिट्टी और वो सब लग गया है इंटीरियर में, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं मतलब और पूरी गंदी गंदी है, और ये कप होल्डर्स और ये मतलब जो
ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा मतलब एक्सीलेटर नहीं तो, और ये सारी चीज़ें, अब गियर बॉक्स भी पूरा गंदा हो चुका है गाइस, और ये कप होल्डर भी बहुत अंदर से गंदा है गाइस, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही गंदा है। तो गाइस मैंने आगे से तो आपको दिखा, मैं आपको ये सारी चीज़ें आगे से दिखा रहा हूँ तो। और ये पूरा कंसोल भी आप देख सकते हैं, जो रेडियो कंसोल है सारा वो भी आप देख सकते हैं। और फिर जो जो एसी होता है, एसी वेंट्स, और ये जो मतलब हमारा जो कभी भी ग्लास और वो सब होल्डर है उसका भी बहुत ही गंदा है, मिट्टी और वो सब है। और फिर ये आप देख सकते हैं, ये एयर कोर स्पेस आपको मिल जाए वो भी गंदा है गाइस। तो मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें गंदी, और पीछे का भी आप देख सकते हैं सेम वही हाल है गाइस, पीछे के डोर का। और ये जो प्लेट आती है वो भी बहुत ही गंदा है सारा मतलब। और जो हम फुटरेस होता है उसके नीचे वाला जो कारपेट बिछाया हुआ है होता है वो भी बहुत ही गंदा है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं सेम हालत उस साइड भी है गाइस। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जो ब्लड ब्लड प्रेशर को मतलब अपने लेवल में रखता है उसका भी आप देख सकते हैं, ये भी है गाइस, जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, जो ड्राइवर सीट के ऊपर लगता है गाइस, आपको पता ही होगा आपकी कार में होगा शायद। और यहाँ से जो उसका ड्राइवर सीट पे हैंग करने का जो मतलब पट्टी कहते हैं वो भी है ना टूट चुका है गाइस, तो हमने रस्सी लगाया, रस्सी भी काम नहीं आया तो हमने उसको ऐसे ही बिछा के मतलब पीछे की सीट पे रख दिया था गाइस। तो ये पूरी हालत है कार की। तो गाइस मेरे पापा आप देख सकते हैं डस्टिंग कर रहे हैं मतलब एक कपड़े से, क्योंकि गाइस हम वॉश करेंगे उससे पहले सारी जो कार की डस्ट है वो निकालना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि गाइस बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो पानी से भी नहीं जा सकती। इसलिए अब एक टिप आपको मैं दे देता हूँ कि आप जब भी अपनी कार वॉश करें उसको वॉश करने से पहले आप पूरी कार में डस्टिंग कर दीजिएगा, कि मतलब है ना जो भी चीज़ें ना जा रही हो उसको आप एक कपड़े से आप मतलब पूरी डस्टिंग कर दिए, जो भी धूल वूल है वो सब निकाल दीजिए, एंड फिर आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए वॉशिंग की। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे आप देख सकते हैं मेरे पापा पूरी कार को डस्टिंग कर रहे हैं गाइस। तो ये सब आप देख सकते हैं, और पीछे डिक्की में जो भी मतलब डिक्की में भी डस्टिंग कर रहे हैं मेरे पापा, और अंदर भी डस्टिंग कर रहे हैं ये देख सकते हैं। और ये फुटरेस डस्टिंग हो गई, और अब फुटरेस में जो मिट्टी है वो भी मेरे पापा निकाल रहे हैं, फुटरेस भी निकाल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप मतलब पूरी धूल धूल वाले हो चुके हैं। तो अब हमें इन फुटरेस को पानी और डिटर्जेंट से हमें इसको वॉश करना है, फुटरेस इसको हमें वॉश करना है गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो ये आप देखिए अब हम वॉश करेंगे इसको। तो गाइस ये देख सकते हैं ये कारपेट जो है वो गंदा है। तो ये सारी चीज़ें हम वैक्यूम क्लीनर से सारा काम होगा, जो सारा मतलब हम जो कारपेट की डस्ट निकालेंगे वो हम हमारे कार में वैक्यूम क्लीनर, कार का एक स्पेशल वैक्यूम क्लीनर आता है आप सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली आप सबकी कार्स में होगा गाइस वैक्यूम क्लीनर। तो ये देखिए ये हमारी कार का वैक्यूम क्लीनर है गाइस, तो ये देख सकते हैं ये जो मतलब सिगरेट लाइटर पोर्ट होता है जिसमें हम हमारा चार्जिंग के जो आप चार्जिंग का जो डॉक होता है वो हम लगाते हैं सिगरेट लाइटर होल्ड में, तो उसको हम निकाल के हम ये उस पॉइंट में हम ये वाला प्लग लगा देंगे और फिर कार को स्टार्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं सिगरेट लाइटर पोर्ट में हमने इसका केबल लगा दिया, तो ये वैक्यूम क्लीनर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हम इससे ही सारी हम क्लीनिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डस्ट वैक्यूम क्लीनर में जा रही है गाइस, तो
तो वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया वैक्यूम क्लीनर है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे डैड है ना वैक्यूम क्लीनर से मतलब कारपेट पे जो सारी डस्ट है वो साफ कर रहे हैं गाइस। तो ये देखिए, तो गाइस ये जो हमारा जो सारा डस्टिंग है, जो धूल थी वो मेरे पापा ने हटा दिया वैक्यूम क्लीनर की मदद से गाइस। तो वैक्यूम क्लीनर जो मेरे पापा हैं जो वैक्यूम क्लीनर से ही सारी क्लीनिंग किए गाइस। तो ये देख सकते हैं। तो फिर हम हमारे फूड ट्रेस को साफ कर रहे हैं गाइस। तो ये जो हमने डिटर्जेंट लिया है डिटर्जेंट, तो उसको हम जो कपड़े धोने का जो स्क्रबर होता है ना गाइस, उससे हम इसको मतलब हम उससे इसको रब कर रहे हैं गाइस। और डिटर्जेंट है तो उससे क्या है, जो सारी मिट्टी होती है वो सारी चली जाएगी और जो भी सारी मतलब जम्स होंगे वो चले जाएंगे। और फिर ये आप देख सकते हैं फूड ट्रेस को मेरे डैड साफ कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, तो अभी देख सकते हैं। तो गाइस हमने इसको अच्छे से धूप में हमने इसको फूड ट्रेस जो है उसको हमने सूखने रख दिया है। तो मेरे पापा अभी जो गीला कपड़ा है उससे पूरा इंटीरियर साफ कर रहे हैं। मतलब गाइस आप ये दूसरी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी कार का डैशबोर्ड आप गीले कपड़े से साफ कर रहे हैं, तो आप गंदा कपड़ा मत लीजिएगा, आप बहुत ही साफ सुथरा कपड़ा लीजिएगा। तो उससे क्या है कि जो हमारी कार का डैशबोर्ड है इंटीरियर और वो सब गंदा नहीं होगा। आप गंदे कपड़े से करेंगे तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे और आपका डैशबोर्ड बहुत ही मतलब खराब लुकिंग में लगेगा। तो हम साफ कपड़े से करें और आप भी जब करें तो साफ कपड़े से ही करेंगे। तो गाइस ये आप एज यूजुअली आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमने साफ कपड़े से लिया है मतलब साफ किया है, तो उससे रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप साफ कपड़े से ही कीजिएगा तो आपका क्लीन अच्छे से होगा। आप गंदे कपड़े से करेंगे तो डैशबोर्ड पे स्क्रैचेस आ जाएंगे गाइस। तो ये आप ऐसा करिएगा कि आप गंदे कपड़े से नहीं साफ कपड़े से करिएगा। घर में आपके पास पड़े होते हैं गाइस साफ कपड़े, तो उससे करिएगा, जो आपके काम के नहीं है और साफ है उससे आप करिएगा। तो ये देख सकते हैं, तो ये आप नीचे से देख सकते हैं पूरी कार। तो मेरे पापा ने सीट पे भी किया था, तो सीट पे जो मतलब गंदी हो सीट तो वो भी साफ हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं पूरी कार का इंटीरियर जो है वो क्लीन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी कार का इंटीरियर क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए आप, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ है गाइस। तो ये देखिए पूरा मतलब अच्छा लुकिंग में लग रहा है और अब कुछ कार साफ सुथरी इंटीरियर से लग रही है। और गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपके कार का जो इंटीरियर है वो क्लीन होना चाहिए। कार का इंटीरियर क्लीन होगा, कार का इंटीरियर क्लीन होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कार बाहर से गंदी होगी तो चलेगा, लेकिन इंटीरियर क्लीन होना ही चाहिए गाइस। और फिर अब मैंने आपको मेरी डिक्की दिखाई, उसके अंदर का पीछे का वो भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा से साफ हुआ है गाइस। तो मतलब पूरा आप डिक्की का देख सकते हैं। तो अब हम कार का एक्सटीरियर वॉश करेंगे। सारा काम है वो हम अब पानी से करेंगे, क्योंकि हमने सारी डस्टिंग की थी तो जो सारे पार्ट नहीं जा सकते उसको हमने कपड़े से डस्टिंग के टाइम निकाल दिया था मेरे पापा ने। तो हम टायर को स्क्रबर से घिस रहे हैं गाइस, क्योंकि गाइस टायर पे जो सारे मतलब दाग ना जाए उससे ये स्क्रबर से चले जाते हैं गाइस, आपको पता ही होगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पापा है ना स्क्रबर से घिस रहे हैं और पानी से साफ कर रहे हैं और घिस रहे हैं स्क्रबर से। और जो नीचे का मैंने आपको डस्टिंग का दिखाया था, जो सारी गंदा डस्ट था, तो वो भी हमने स्क्रबर से किया है। तो उससे है ना वो क्या है कि वो सारे जो जर्म्स होते हैं वो मतलब चले जाए। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम रूफ टॉप भी आपको दिखाए, रूफ टॉप तो पूरा मतलब मिट्टी सा हो गया था, तो उसको भी मेरे पापा रूफ टॉप को भी साफ कर लिया है।
तो गाइस पूरी कार पे पानी और अच्छे से वॉश हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सूखने देंगे गाइस, सूखने देंगे, फिर हम कार को सूखने देंगे, फिर हम एक बहुत ही अच्छा सा हम एक सूखा कपड़ा, मतलब एक अच्छा सा मतलब हम गीला कपड़ा लेंगे और उससे हम सारा कर देंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हमारे फुट रेस भी सूख चुके हैं। तो गाइस हमने पापा ने एक अच्छा सा मतलब सूखा कपड़ा ले लिया है और उससे जो हमारी कार है उस पर जो सारे डॉट डॉट्स वाले पानी के जो होते हैं तो वो भी सारे क्लीन हो जाए। हम कार को सूखने देंगे, फिर उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा सा पानी बचेगा उसको हम एक सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। दैट्स इट, आपकी कार का ही एक्सटीरियर वॉश हो जाएगा और इंटीरियर भी वॉश हो जाएगा गाइस। तो ये जो मैंने आपको दो टिप्स दिए उसका हमने ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कार एकदम ईजीली अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो ये देखिए, तो गाइस ये आप देख सकते हैं, तो मैंने जो सारी आपको टिप्स दी थी, मैंने दो टिप्स आपको दी थी, तो गाइस मैंने आपको दो टिप्स दी थी उसका आप फॉलो करेंगे तो आपकी कार एकदम अच्छे से वॉश हो जाएगी और फटाफट से हो जाएगी और इजीली वॉश हो जाएगी आपकी कार। तो आप इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा गाइस। तो ये देख सकते हैं हमने विंडोज़ पे भी मैं पापा कपड़ा मतलब जो क्लोथ होता है वो उसको घुमा रहे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कार बस वॉश होने को ही आई है गाइस। तो वैसे कार को सैनिटाइज भी करेंगे गाइस इसके बाद, क्योंकि गाइस कार वॉश हुई है और फिर मतलब हम भी हमारे हाथ भी गंदे हुए, तो हमारे हाथ भी बहुत सारी जगहों पे कार पे टच हुए, तो इसीलिए कार को सैनिटाइज करना ज़रूरी है गाइस। तो जो हमारा कार वॉश, हमारी कार वॉश हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम हमारी कार को सैनिटाइज कर लेंगे गाइस। तो जैसे कि आपको पता है वो स्प्रे वाली बॉटल, तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारी कार पूरी अच्छी तरीके से वॉश हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कार को, तो वाओ गाइस एकदम अच्छे से एकदम मतलब ऐसी कार मतलब ऐसी लग रही है कि मतलब अभी शोरूम से ही डिलीवर होके आई है गाइस। तो गाइस बिल्कुल ऐसी लग रही है गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से वॉश हुई है कार, तो वाओ गाइस बहुत ही बढ़िया है ये, और कार दिखने में भी बहुत ही स्टाइलिश और अच्छी लग रही है। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया लग रही है कार। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसकी हेडलाइट्स पे आप हेडलाइट्स पे मत जाइएगा गाइस, क्योंकि गाइस कार इतनी बहुत ही मतलब 2007 का मॉडल है गाइस, और 2007 का मॉडल है तो आप समझ ही लीजिए 14 साल हो चुके इस कार को, तो 14 साल हो गए इस कार को, तो है ना ऑब्वियसली गाइस इसकी हेडलाइट से वो हो गई है। लेकिन गाइस अभी ये सब पेंडेमिक और वो सब ख़त्म होगा, हम पूरी कार है ना अच्छे से मतलब पूरे मतलब अंदर नई मॉडिफिकेशंस हम करेंगे, मैं उसके वीडियोस भी बनाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही बढ़िया लग रही है अपनी कार, तो ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है अपनी कार, अपनी ज़ेन स्टीलो, ये देखिए। और इसके टायर्स भी है ना मतलब मैंने आपको बिफोर वॉश का इसका लुक बताया था, तो ये इसके टायर्स जो है वो बहुत ही गंदे दिख रहे हैं, लेकिन आफ्टर वॉश इसके टायर्स बहुत ही मतलब अच्छे लुकिंग में लग रहे हैं गाइस। तो ये देखिए, और ये वाइड एंगल शॉट में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और ये वाइड एंगल शॉट भी बहुत वाइड एंगल शॉट हमने लिया है, तो
उसमें कार बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो ये देख सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है कार। तो देखिए, वाओ गाइस बहुत ही बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं आप, कार दिखने में बहुत ही अच्छी लुकिंग में लग रही है। तो इसका आप देख सकते हैं, और गाइस ये कार मैंने 7 मंथ्स के बाद मतलब हमने वॉश किए, क्योंकि गाइस बीच में कोरोना और कर्फ्यू और वो सब सारी चीज़ें आ गई थी। और गाइस मेरी जब मैंने वडनगर एक्सप्लोरिंग का भी मैंने आपको मेरी दूसरी वीडियो थी मेरे चैनल पे उसमें बताया था गाइस, मैं उसकी सीरीज स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन है ना जिस दिन स्टार्ट करने वाला था गाइस, मैं 20 तारीख को है ना अच्छे से बाहर मतलब मैं मेरे कज़िन के घर जाके आया, और दूसरे दिन से लॉकडाउन हो गया। तो ये देखिए मैं पापा ही है। तो गाइस अब बारी आ गई है कार को सैनिटाइज करने की। तो देखिए, तो ये हमारा जो डोर हैंडल है उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये देखिए मतलब पूरी कार को हमें अच्छे से एकदम सैनिटाइज करना है, क्योंकि गाइस सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी आपने कहा हुआ, तो मतलब ये चीज़ तो आपने सुनी ही होगी गाइस। तो देखिए पूरी कार को सैनिटाइज में डैड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पूरी कार सैनिटाइज हो रही है, तो सीट्स और सब कुछ सैनिटाइज होगा, तो अभी पीछे का भी सैनिटाइज होगा। तो ये देख सकते हैं, तो ऐसा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अच्छे से एकदम सैनिटाइज होगी कार। और मैंने आपको जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो सारी चीज़ें बिफोर वॉश बहुत ही गंदी दिख रही है, आफ्टर वॉश काफ़ी बढ़िया दिख रही है, क्योंकि गाइस हमने वॉश की है कार। तो ये देख सकते हैं आप, सीट सैनिटाइज हो रही है, तो अभी ये पीछे का पार्ट सैनिटाइज हो रहा है, तो अभी ये सीट्स भी सैनिटाइज हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी से एकदम सैनिटाइज हो रही है। तो देख सकते हैं, तो गाइस अब ये पीछे का जो डिक्की वाला पार्ट है वो भी सैनिटाइज हो रहा है पूरा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही मतलब अच्छे से एकदम सैनिटाइज हो रही है कार पूरी। तो ये देख सकते हैं, और गाइस अभी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल तो होने लगा ही है कोरोना का, तो जैसे लोग सेफ्टी रख रहे हैं उससे लोग है ना मतलब कोरोना तो दुनिया में फैलने से बच रहा है। तो गाइस थैंक यू, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हमारी कार वॉश हो चुकी है, और आफ्टर 6-7 मंथ्स हमने वॉश की थी। तो गाइस मतलब हमने लास्ट टाइम वॉश जनवरी में कराई थी गाइस, तो उस टाइम पे हमने कराई थी, उस टाइम पे कार मैं रिपेयरिंग पे गई थी, और फिर उसके बाद मेरी कार आ गई, और फिर उसके बाद है ना हमने कार वॉश ही नहीं की, क्योंकि ये कोरोना और वो सब आ गया था। लेकिन आज है ना आज हमने वीडियो भी बना ली और कार भी वॉश हो गई। तो फ्रेंड्स हमने कार पूरी अच्छे से मतलब मैंने तो नहीं, मैं पापा ने वॉश की। तो और फिर कार वॉश करने के बाद मैंने ना लिया, क्योंकि गाइस कार में भी मैं बैठा था, तो कार में भी जम्स होते हैं, तो इसीलिए मैं मतलब पूरा शूटिंग और वो सब ख़त्म करके मैं ना लिया, और अभी मैंने आपसे मिला। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू वुड सी माय नेक्स्ट वीडियो, एंड वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आप मेरी कार जब आफ्टर वॉश के आप फोटोज इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।
so get the fuck up. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.